कितनी भाग्यशाली है मेरी भाभी जो उन्हें तुझ जैसा बेटा मिला, जो अपनी माँ को बचाने के लिए उस राजीव बंसल के जाल से अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है। चाचू, मैं मम्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तेरी ये बात सुनकर अगर मेरी आंखों में आंसू ना आए तो मेरी आंख बुरा मान जाएगी। शाबाश मेरा बेटा, तेरा चाचू तेरे साथ है। ले ले ये पहन ले। तेरी सेफ्टी से बढ़कर तेरे चाचू के लिए और कुछ नहीं है। पर चाचू, आपने ये तो बताया नहीं कि आपका असली प्लान क्या है। पापा, क्या हुआ? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। पापा, कुछ तो बात है। मैं आपका फेस देखकर बता सकती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। आप मुझसे शेयर करिए ना। आप मुझसे इसलिए शेयर नहीं कर रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज I'm a girl? नहीं बेटा, बात वो नहीं है। बात ये है कि I need some money. पैसे चाहिए? कितने पैसे? 10,000. आप अगर पैसे दे रही हैं तो पता होना चाहिए कि बच्चे को पैसे क्यों चाहिए। पैसे क्यों चाहिए? मम्मी, ये पहली बार तो है नहीं कि मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, और ना ये पहली बार है कि आप मुझे पैसे दे रहे हो, पर ये पहली बार जरूर है कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे पैसे क्यों चाहिए। Very? मैं जा रहा हूं 10,000 के लिए मौत के चक्कर की उड़ान भरने। किशनगढ़ रोड पे टोल नाके के आगे है ये मैदान, जहां होता है ये स्टंट, मौत का चक्कर। समझ नहीं आ रहा मुझे, मौत का चक्कर क्या है? बैरी कुछ गलत ना कर बैठे। ताऊ जी, वो कल बैरी है ना, ये मौत के चक्कर के बारे में बात कर रहा था। शु, बोल, बोल ना। हाँ पापा, एक्चुअली वो मौत का चक्कर बाइक स्टंट का नाम है, और पापा बहुत डेंजरस है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं जहां बेरी गया। मेरे प्यारे भतीजे, मेरे बच्चे, तूने मेरे कहने पर अपनी मम्मी से पैसे मांगे जो उन्होंने देने से मना कर दिया, बता क्यों? क्योंकि मिस्टर राजीव बंसल ने उन्हें रोक दिया। बिल्कुल सही बात। अब जब मम्मा को पता चलेगा कि तू पैसों की वजह से इतना खतरनाक स्टंट कर रहा है तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा, बता किस पे? मुझ पे? नहीं, तुझ पे नहीं, राजीव बंसल पे। कैसे? क्योंकि राजीव बंसल के कहने से तेरी मम्मी ने तुझे पैसे देने से मना कर दिया। अब पैसों की वजह से तू इतना खतरनाक स्टंट कर रहा है, अब खतरनाक स्टंट की वजह से उन दोनों के बीच होगा धिनाधिन था, होगा ना? अब हम दोनों मिलकर उन दोनों को अलग करके ही रहेंगे। चाचू, आप गले मिलो। पापा, बस यहां से आगे से राइट लेना है, किशनगढ़ रोड पे टोल नाके के बाद एक मैदान है, वहां पे स्टंट होते हैं, शहर से दूर है ना, इसीलिए। पापा, आई एम श्योर बेरी वही होगा। आज से पहले पापा को कभी इतने स्पीड में स्कूटर चलाते नहीं देखा।
जैसा मैंने प्लान किया बस वैसा हो जाए, और अगर वैसा हो गया तो हारेगी दलजीत और जीतूंगा मैं। उसके बाद करोड़ों की प्रॉपर्टी और बच्चों की कस्टडी मैं हासिल करके ही रहूंगा, और अगर ऐसा ना किया तो मेरी प्लानिंग बुरा मान जाएगी। बैरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब पता नहीं क्या होगा। बैरी, क्या किया बैरी ने? अब मुझे ये साबित करने से कोई नहीं रोक पाएगा कि दलजीत के पास बच्चे सुरक्षित नहीं है। अब आएगा मजा। आज रविवार नहीं, शक्ति का वार है। ये फोन ही नहीं लग रहा। बाबा जी, मेरे बच्चे की रक्षा करना बाबा जी। ये देखा आपने दादू? हाँ, आपको पता है यही है वो स्टंट जो करने गया है बैरी। उसे रोकना चाहिए वरना होना चाहिए देरी। यो ओहो, आज तो तोड़फोड़ एक्सप्रेस ने हद ही कर दी भाई। मतलब मम्मी ने पैसे को नहीं दिए तो अपनी जान हथेली पे लेके निकल पड़ा। अरे अंकल जी, बीच में से हट जाइए, हट जाइए अंकल जी। इस तरह से मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब? सर, रास्ता रोकने नहीं आया मैं, ये जो बेवकूफी करने जा रहे हो ना उसे रोकने आया हूं मैं। क्या कर रहे हो भाई तुम ये? हैं, पकड़ से। प्लीज आप हट जाइए मेरे सामने से, हटिए। ना मैं हटूंगा, ना तुम इस रास्ते पे चलने दूंगा। भाई कितना जोखिम भरा काम करने जा रहे हो तुम, है मेरी? अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, चलो घर चलो। है आप मेरे पापा नहीं है, और ना ही मेरे पापा बनने की कोशिश कीजिए। आप ना मेरी मम्मी को कंट्रोल कर सकते हैं, मुझे नहीं। बैरी, मेरे पापा से ऐसे कैसे बात कर रहा है तू? वैसे ही जैसे एक माँ बेटे के बीच में दीवार डालने वाले आदमी से की जाती है। बैरी, तू मेरी बात सुन। बेटा बैरी, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ, मुझे पता तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, ये सब बोलने का अधिकार है तुम्हें, पर ये जो कर रहे हो ना ये करने का अधिकार नहीं। बेटा, अपने जीवन पे सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारी मम्मी का भी अधिकार है, तुम्हारे भाई का भी अधिकार है, पर ये जो तुम करने जा रहे हो ना इसका अधिकार नहीं है। तुम्हें पता है कितना खतरनाक हो सकता है, तुम्हारी जान जा सकती है। बेटा बेटा, मुझसे नाराज हो ना तुम? हैं, मुझसे नाराज हो? मैं माफी मांगता हूं तुमसे, हैं, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। पापा, चलो। मैं यहां पर ना वापिस जाने के लिए नहीं आया हूं। वापिस जाने हैं तो आप जाइए ना। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो तुम्हें लेके जाऊंगा। तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं पैसे दूंगा, जितने पैसे चाहिए ना मैं दूंगा। हैं, मुझे आपकी दी हुई भीख नहीं चाहिए। आप मेरे सामने से हट जाइए प्लीज, आखिरी बार बोल रहा हूं। नहीं बैरी, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। आज मुझे स्टंट करने से कोई नहीं रोक सकता, ना ही आप और ना ही आपकी झूठी बातें। नहीं, नहीं हटूंगा मैं। हट जाइए सामने से, मैं बोल रहा हूं।
जियो मेरे गधे भतीजे जियो, बस ऐसे ही अड़े रहना अपनी जिद पे, वरना मेरी उम्मीद बुरा मान जाएगी। हटिए बैरी, मत करो ये। मैं कह रहा हूं हट जाइए। चाबी क्यों? बस बैरी, बहुत हो गया। आज ना मुझे स्टंट करने से कोई नहीं रोक सकता। हटिए आप। मोटरसाइकिल से उतरो, बहुत हो गया भाई ये। उतरो मोटरसाइकिल से भाई, चलो। ऋषु आओ बैठो। हे भगवान, बैरी की रक्षा करना। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, अरे छोड़िए। एक शब्द और मत बोलना, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। लिमिट क्रॉस कर दी तुमने, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? लिमिट मैंने नहीं, आपने क्रॉस की है। फिर पापा ने ना आज तक मुझे कभी छुआ भी नहीं, और आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। आज अगर तुम्हारे पापा होते ना, तो वो भी वही करते जो मैंने किया। तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह है नहीं, ना उन लोगों की परवाह है जिनकी जिंदगी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर परवाह होती तो ये सब नहीं करते तुम। इस स्टंट में जान जा सकती थी तुम्हारी, पता है ना तुम्हें? मतलब एक बार भी अपनी मम्मी के बारे में नहीं सोचा तुमने? इन्होंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सहारा खोया, अपने पति को खोया। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता बैरी, तो क्या करती वो? जीते जी मर जाती वो? तुम्हें माफी मांगनी चाहिए इनसे, और वादा करना चाहिए कि ऐसी हरकत तुम दोबारा नहीं करोगे। बेटा बहुत गलत किया तुमने आज, मांगो सॉरी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। और रही बात मम्मी की, तूने तो आपने पहले ही बहला फुसला कर मेरे अगेंस्ट कर ही दिया है। ये क्या बोल रहा तू बारे पुत्र? मैं वही बोल रहा हूँ मम्मी जो सच है। नहीं बारे पुत्र, ये सच नहीं है। ये जो भी तू बोल रहा है ना, ये गलत है। अरे गलत तो मैं अब तक समझ रहा था मम्मी। आज इन्होंने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, और अब अभी चुप हो। एक गलपुच्छा क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ ट्विंकल।
वरुण ने एक बहुत अच्छा गेम लाया, पता है कौन सा? कौन सा? क्विज वाला। एक काम करते हैं, वरुण के घर पे जाके खेलते हैं। Let's go. Okay. रुचि, हाँ? बच्चों को घर लेकर चलते हैं, वहीं खाना खिला देंगे। जी पापा जी, जैसे ही खाना बन जाता है मैं इनके हाथ भिजवा देती हूँ। चलो। राजीव जी, आपको बैरी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आप समझा भी तो सकते थे ना, ये कैसी पेरेंटिंग है? आप तो वो पिता है ना राजीव जी, जो अपने बेटे से कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि तेरा यार हूं मैं। आप तो वो इंसान है जो बच्चों को डांटने फटकारने के खिलाफ है, पर आज आज आप ही ने हाथ उठा दिया। राजीव जी, आप तो वो इंसान है ना जो थपकी में विश्वास करते हैं, लेकिन आज आपने थपकी नहीं बल्कि थप्पड़ मार दिया। आप क्या कह रही हैं दलजीत जी, मैं खुद नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। अगर आज बैरी की जगह ऋषु भी होता ना, तब भी मैं वही करता। और अगर समझाने से इस छोरे के बात समझ में आ जाती ना, तो टीटू को हाथ उठाने की जरूरत ही कोनी पड़ती। जो हरकतें ना इस छोरे की, वो दिन दूर कोनी कि जब इसकी वजह से सारे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ जाएगा। अच्छा, अगर यही बात है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए ना? नहीं आएगी, क्योंकि मैं मम्मी और ट्विंकल को लेकर अपने घर वापस जा रहा हूं। मम्मी, अब कोई जरूरत नहीं है रहने की, हम अपने घर जा सकते हैं। चलिए मम्मी यहां से। घर छोड़कर जाना प्रॉब्लम का हल नहीं है पुत्र। मतलब आप घर नहीं जाओगे? मी, इतना सब होने के बाद भी? पुत्र, तू अंदर जाकर आराम कर ले। देख, तू अभी गुस्से में है ना, इसीलिए कुछ नहीं समझ पा रहा है। पहले तेरा गुस्सा ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं आती हूँ ना, सब समझा दूंगी तुझे मेरे पुत्र। क्या हुआ? फाइनली घर में आप सब नॉर्मल हो गया। लेकिन आज ताऊ जी का ना एंग्री वाला रूप देख के मुझे लग रहा है डर यार। क्या होगा, उन्हें हमारा सच पता लग गया अगर? क्यों? हाँ, अगर उन्हें पता चला कि हम बेरी के साथ फ्रेंडशिप का झूठा नाटक कर रहे हैं तो पता नहीं पापा क्या करेंगे। आई थिंक हमें पापा को ना शक्ति अंकल के प्लान के बारे में सब खुद ही बता देना चाहिए। अगर आजादी चाहते हो दोस्त बन जाओ, राजीव भैया और दलजीत भाभी के सामने दोस्ती का नाटक करो और सब मिलकर उनके रिश्ते की इस दीवार को गिरा दो। बिल्कुल नहीं। खेलना खेल। मैं पापा का गुस्सा सहन कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे पापा मुझसे दूर हो जाए वो मैं सहन नहीं कर सकता। मैं अपने पापा की डांट बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर मेरी मम्मी की जगह कोई और ले ले वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
आपको बैरी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अगर आज बैरी की जगह ऋषु भी होता ना, तब भी मैं वही करता। ओ, सौतेले बाप ने अपने सौतेले बेटे के गाल पे मारा थप्पड़। कब तक सहेगा बेचारा अपने सौतेले बाप की यातना, कब तक? शाबाश शाबाश शक्ति, अब तू आसानी से अदालत में साबित कर देगा कि कैसे कि सौतेला बाप बच्चों पे कैसे जुल्म कर रहा है। अब बनाऊंगा मैं तिल का ताड़ और राई का पहाड़, और दलजीत की गोद से बच्चों की कस्टडी छीन के मैं अपने पास ले लूंगा। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा मेरा घटियापन बुरा मान जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।